हेलो स्टूडेंट्स, वी शैल बी डूइंग नाउ वन क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन ऑफ रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई शैल बी टेकिंग अप अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन इटसेल्फ. सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन गोज लाइक दिस. टाइम एंड स्पेस लिमिटेड इश्यूड ऑन जनवरी 1, 2017 50,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो 50,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पर. तो आर एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर. सो दिस इज 5,000 × 100 एंड दिस इज 5,000 × दिस इज 5. These are how many debentures? These are 50,000 debentures. Sorry. So 50,000 debentures into 100 and then 50,000 debentures into 10 and then 50,000 debentures into 9. So this is how you have made the entry. You can even make one entry for these two, bank account debited, discount account debited to debentures. Okay. Next they have said is with an option to debenture holders to convert their holdings into 12% preference shares of 100 each at a premium of 25% at any time within 5 years. 5 साल में आप कभी भी अपने debentures को convert करा सकते हो किसमें? Into the preference shares, 12% preference shares, और वो भी at a premium of 25%. On 1st January 2018, मतलब 1st January 2017 को हमने क्या किया था? 1st January 2017 को इशू किए थे ये वाले डिबेंचर्स और फिर एक साल के बाद 1st January 2018 को क्या हुआ? होल्डर्स ऑफ 5,000 डिबेंचर्स नोटिफाइड देयर इंटेंशन टू एक्सरसाइज ऑप्शन. एक साल के बाद 5,000 डिबेंचर्स ने क्या बोला कि हमें ये वाली ऑप्शन मंजूर है, वी वांट आर डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स नाउ. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स नाउ. बट लेट मी टेल यू, यहां पर सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स दे हैव नॉट डन, दे हैव जस्ट जम्प्ड ओवर टू 2018 विदाउट मेकिंग द एंट्री फॉर इंटरेस्ट. जो एक साल हमारे पास ये डिबेंचर्स रहे उनको क्या एक साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा. एंड दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द फेस वैल्यू. ठीक है, सो दीज टू एंट्रीज यू विल एड. वन इज ऑन 31st December, द एंट्रीज विल बी पास्ड ऑन 31st December 2017 इटसेल्फ. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 50 लाख के ऊपर, जो पूरे सारे डिबेंचर्स थे 50 लाख के ऊपर 9% 4,50,000 और फिर P&L में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. दीज टू एंट्रीज दे हैव मिस्ड इट बट यू विल पास. ऑलराइट, देन आफ्टर दैट सो दे आर सेइंग ऑन 1st January 2018 द होल्डर्स ऑफ 5,000 डिबेंचर्स नोटिफाइड देयर इंटेंशन टू एक्सरसाइज ऑप्शन. प्रेफरेंस शेयर्स वर इश्यूड फॉर नेट अमाउंट पेबल ऑन 5,000 डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट. मतलब इन जो ये 5,000 डिबेंचर्स वाले थे इनको जो पेमेंट वापस करनी है वो वही वापस करनी है जो इनसे रिसीव हुई थी. विच मीन्स दीज हैव टू बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट. साफ साफ लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर इश्यूड फॉर द नेट अमाउंट पेबल ऑन 5,000 डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट. यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्वेश्चन राइज होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाए. Alright, so how many shares we should issue? So the working note goes like this. You will write net amount payable to the holders of 5,000 debenture. 50,000 के holders में से कितनों ने बोला कि हमें ये debentures को convert कराना है? 5,000 debentures. So 5,000 debentures को साफ साफ question में लिखा है कि they have to be paid the net amount. So 5,000 × 90. क्योंकि 90 रुपये इन्हें पे करना है तो 5,000 × 90 इट कम्स आउट टू बी 4,50,000. दिस इज द अमाउंट विच हैव टू बी पेड टू देम. ओके, अब ये 4,50,000 इन्हें जो देना है वो किस फॉर्म में देना है? कैश में? नहीं, इट हैज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स. और प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने पर रिडीम, कितने पर इश्यू करने हैं? प्रीमियम पर 125. सो यू विल नॉट डिवाइड इट बाय 100 बट यू विल डिवाइडेड बाय 125. आई रिपीट वट एवर आई हैव सेड हियर जस्ट नाउ. 5,000 डिबेंचर्स को कितना पैसा वापस करना है पहले आप वो निकाल लीजिए. 5,000 को हमने 90 रुपए वापस करने हैं, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया हुआ, तो 4,50,000 आ गया. इस 4,50,000 को हमने किस फॉर्म में देना है? प्रेफरेंस शेयर को. और प्रेफरेंस शेयर किस फॉर्म में, किस पर इशू करना है? 125 पर. सो 4,50,000 डिवाइड बाय 125 विच कम्स आउट टू बी हाउ मेनी शेयर्स? 3,600 shares. So how about we shall be going with now the entries. The entry will go like this.
सबसे पहले जो डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हो, अब डिबेंचर्स हमेशा यू नो इट, चाहे हो शेयर कैपिटल अकाउंट चाहे हो डिबेंचर अकाउंट, ये हमेशा किस पे शो होता है, फेस वैल्यू पर. सो 5000 डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू है उसकी 100, तो इट वॉज 5000 डिबेंचर्स और उसकी फेस वैल्यू थी 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 लाख. ये हो गया पहली एंट्री. दूसरा, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू कर रहे हैं. तो प्रेफरेंशियल कैपिटल हमने अभी निकाला, हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग 3600 शेयर. तो 3600 इंटू 25, 3600 इंटू सॉरी 100, तो 3600 इंटू 100 ये हो गया 3,60,000. फिर ये जो 3600 शेयर्स इशू हो रहे हैं ये किस पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पर. तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 3600 इंटू 25 विच कम्स आउट टू बी 90,000. नाउ बचा क्या, ये 50,000. अगर 5 लाख के डिबेंचर्स को हम 4.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं तो हमें फायदा है या लॉस है, कंपनी को फायदा है. तो इनकम है तो इनकम विल बी क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. दिस वॉज 5,000 इंटू 10, 10 रुपए हमने उन्हें कम दिए थे, तो 5,000 इंटू 10. आई रिपीट द एंट्री वंस अगेन. फॉर द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, डिबेंचर्स जितने राइट ऑफ कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, सारे के सारे फेस वैल्यू पर लिख दोगे आप. सेकेंड आप क्या करोगे, सेकेंड यू विल बी राइटिंग जितने की कैपिटल आपने इश्यू की, 3600 इंटू 100, फिर 3600 इंटू 25 और जो प्रीमियम आपने इशू, प्रीमियम जो आपने रिसीव की और फिर जो आपने कम पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ योर इनकम नाउ. सो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5000 इंटू 10. सो दिस इज हाउ यू मेक द एंट्रीज फॉर कन्वर्जन. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शेल बी टेकिंग अप अ बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन, वेयर इन यू विल हैव टू कैलकुलेट कि फ्यू परसेंटेज ऑफ द डिबेंचर्स हैव टू बी कन्वर्टेड इंटू कैश एंड हैव टू बी कन्वर्टेड इंटू शेयर्स एंड रेस्ट परसेंटेज हैज टू बी पेड अप इन द फॉर्म ऑफ कैश. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट. थैंक यू सो मच.